यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड लाइव। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के सारे दांव फेल हो गए हैं। बीजेपी ने जिन्ना के मुद्दे को उठाया लेकिन गन्ना हावी रहा। योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों पर केस हटाने का ऐलान किया लेकिन जाट समुदाय का दिल फिर भी नहीं पसीजा। इसी का नतीजा है कि बीजेपी अपनी दोनों सीटें बचाने में सफल नहीं हो सकी है। आठ दिन पुरानी वो तस्वीर याद कीजिए जब पूरा विपक्ष कर्नाटक में एक मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़ा था। वही तस्वीर आज उपचुनावों के नतीजों में जीवंत हो उठी। यूपी से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। जिस फॉर्मूले को अपना कर किसी जमाने में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था, उसी फॉर्मूले से आज कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है। यही वजह है कि बीजेपी चार लोकसभा सीटों के उपचुनाव में से एक सीट जीत पाई और कैराना जैसी हॉट सीट पर उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा सीटों का भी यही हाल रहा। जिस बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में तमाम पार्टियों को चारों खाने जीत किया था, वही बीजेपी नूरपुर सीट का उपचुनाव हार गई। मतलब जीती कोई भी पार्टी हो लेकिन हारी बीजेपी है। बीजेपी को इस हार पर ज्यादा आत्ममंथन इसलिए करना चाहिए क्योंकि अब तक बीजेपी गुजरात को छोड़कर उन जगहों पर चुनाव लड़ रही थी जहां उसे या तो कांग्रेस से सवाल करने थे या किसी और पार्टी से, लेकिन अब बीजेपी को अपने काम का जवाब देना होगा और विपक्ष की एकता का तोड़ निकालना होगा क्योंकि विपक्ष बात में एकजुट रहेगा या नहीं वो बात की बात है। फिलहाल तो विपक्ष एक दिख रहा है जो बीजेपी नेताओं की परेशानी पर बल डालने के लिए काफी है। अब बीजेपी को ये सोचना होगा कि आम लोगों तक अपनी बात को सही ढंग से कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि बीजेपी अगर सिर्फ ये सोचकर बैठी है कि विपक्ष में फूट पड़ेगी तो उसको सोचना होगा कि हार का डर सबसे बड़ा डर होता है जो विपक्ष को इकट्ठा रखने के लिए काफी है। और विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को, ये सोचना होगा कि वो जनता के सामने अपनी रणनीति और एजेंडा कैसे रखेगी, क्योंकि उपचुनाव में समर्थन लेना या देना अलग बात है। जब आम चुनाव होंगे तो जनता ये पूछेगी कि आप सरकार कैसे चलाएंगे, सरकार का एजेंडा क्या होगा और सरकार अलग क्या करेगी। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।